मेहनत के लिए सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत मेहनत करी है कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली की जनता का ये जो जनादेश है उसको सर माथे रखते हुए मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो दिल्ली की आकांक्षाओं के अनुरूप दिल्ली सरकार में अच्छा करते हुए दिल्ली को उसके अपेक्षाओं की पूर्ति करेंगे और हमने अपने हिसाब से काफ़ी अपेक्षाएं रखी थीं। हमारी अपेक्षाएं खरी नहीं उतरी, इसकी हम समीक्षा करेंगे। लगभग दिल्ली का काउंटिंग लगभग समाप्त के कगार पे है और इस समय बीजेपी को अभी जो मैं निकला हूँ देखते हुए तो लगभग 7 सीटों की बढ़त या जीत दिख रही है। अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके हिसाब से आपके पक्ष में निर्णय नहीं हो तो मन निराश भी होता है, लेकिन यही धैर्य का समय होता है। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बोलूँगा, निराश नहीं होना है दोस्तों, भाइयों बहनों। दिल्ली की जनता ने जो अपना जनादेश दिया है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। अच्छी बात यह है थोड़ी सी इस निराशा में भी कि बीजेपी को 2015 की अपेक्षा परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। 2015 में 32% वोटिंग थी हमारे पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, अभी 38.78% है सिर्फ बीजेपी का। और हमारे जो एनडीए के लोग एलाइज हैं जेडीयू, उनको 0.78, एलजेपी को 0.38, तो ऑलमोस्ट ये 40% के आसपास है। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत कठिन मेहनत किया है और हमारी ही तरह उनको भी बहुत इस समय विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उनकी मेहनत से ही ये, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये परसेंटेज बढ़ा है। एक हमने ट्रेंड देखा है दिल्ली में, अब एक नए युग की शुरुआत हो रही है सिर्फ दो दल के बीच, और इसमें अब आगे की तैयारियां और भी उसी अनुसार से करनी पड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट लुप्त प्राय ही हो गई है। तो 2015 में भी उनका जो वोट प्रतिशत था उससे लगभग आधा हो चुका है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं तो रिजल्ट आपके अनुरूप नहीं आता है तो निराशा होती है, पर शायद इसी में उसको बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने का जो नाम है वो बीजेपी है। हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से जो सांसद के रूप में और भी जिस रूप में बीजेपी को समर्थन है दिल्ली का, उस रूप में हम लोग अपना और भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे।
और हम आशा करेंगे कि आगे दिल्ली में ब्लेम गेम कम हो और काम ज्यादा हो। थैंक यू। एक एक करके मैं देखिए, हम कभी नफरत की राजनीति करते ही नहीं। हम तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की ही राजनीति करते हैं। इस चुनाव में और भी जितनी बातें आई होंगी, अब तो चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, जब जैसा माहौल होता है वो आता है। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि लोगों का, अब चाहेंगे भविष्य में भी नहीं चाहेंगे कि लोगों का 60-60 दिन उनका रास्ता रुक जाए और लोग आकर के अपने प्रोटेस्ट के लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने प्रोटेस्ट के लिए रास्ता ही रोक दो, दो दो महीना। हम उसका कल भी विरोधी थे, हम उसके आज भी विरोधी। अब देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना, मैं ही हूं। मैं तो पहले भी बोला हूं और हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। क्या लग रहा है आपको कि ये फ्री वाला जो मामला था वो आप अपने घोषणा पत्र में नहीं लाए और इसका असर ज्यादा हुआ? फ्री का एक इसका ट्रेंड जो है, एक कलकत्ता में और दूसरा महाराष्ट्र में भी बिजली का फ्री देने का शुरू हो गया है। तो भाजपा इसमें, आप लोग शुरू में बात भी किए कि अपने उसमें घोषणा पत्र में लाए, इसके बाद आप लोग कुछ सांसद आपके प्रपोज भी किए, लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली में कौन लोग वो है जो घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किए और आज क्या मानते हैं आप? देखिए, आमतौर पे बीजेपी का ये ध्येय रहता है कि हम जो कहें वो करें, हम जो कहेंगे वो करेंगे। तो ऐसी कोई बात कि कहने के बाद हमको उसमें कुछ और हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, हम उससे बचते हैं। तो इसकी हम समीक्षा बाद में करेंगे। जी देखिए, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ तो हमारा अपना सर्वे होता है। प्रदेश अध्यक्ष को ये थोड़ी बोलना चाहिए कि हम जी हार गए हैं पहले ही, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा। और जब तक रिजल्ट ना आ जाए, एग्जैक्ट पोल ना आ जाए, किसी को ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। अबे जिसको 4.5% आया वो भी नहीं, उसको भी नहीं बोलना चाहिए, अपनी लड़ाई बढ़िया से लड़नी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरा अनुमान गलत सिद्ध हुआ। मैंने जो सोचा था उसका सोचने का एक आधार था, लगभग 48 विधानसभा में सड़कों की बुरी स्थिति है, पानी की बुरी स्थिति है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी बहुत लगे रहते हैं। तो इस आधार पे हमने उसकी कल्पना की थी कि ये लोग एक हो सकता है कि इतनी परेशानियों के बाद एक नया किसी को जिम्मेदारी दें। वो हमारी सोच नहीं पूरी हुई। तो अब हमारी, मैंने जो ट्वीट किया था आप संभाल के रखे होंगे, अब उसको रखे ही रहिएगा मैं क्या। अब तो आशीष, दो चीजें, एक आपके हिसाब से अगर आप एनालाइज करें तो व्हाट कुड बी 2-3 रीजंस, वन। दूसरा ये आगे का क्या, अभी व्हाट विल बी द वे अहेड? देखिए, अभी इसके बाद तो हम लोग बैठेंगे, हमारी पूरी एक बड़ा दल का एक बड़ा टीम है जो ये सब चुनाव हम सभी लड़ रहे थे, तो उसमें बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे। अभी ये कहना थोड़ी जल्दी हो। तिवारी जी, आज के कारणों की आप समीक्षा करेंगे, उस पे चिंतन और आप मंथन करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आपको क्या, क्यों लगता है, क्या ऐसी क्या वजह लगती है कि दिल्ली ने आपको नकार दिया? क्या आक्रामकता जो है वो शुरू से ज्यादा थी या कुछ नेगेटिविटी, क्या चीजें आपको लगती है? देखिए, एक तो 8% वोट का बढ़ जाना, इसको नकारना नहीं मानते हैं। 8% वोट का बढ़ना ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन
अब वहीं पे जनता के जनादेश का पूरी तरह से सम्मान करना भी बहुत आवश्यक है। हम किसी ईवीएम पे, हम किसी और चीज पे सवाल नहीं उठाते, हमने सीधे कह दिया जनता का आदेश सर माथे पर। अरविंद केजरीवाल जी आपको बधाई। मनोज जी, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी आपने कहा था कि 11 तारीख के बाद शाहीन बाग भी खाली हो जाएगा, एक तरह से हिंट दिया था कि शायद बीजेपी को हराने के लिए वैसा धरना दिया जा रहा है और पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वहां पे धरने पे लोग बैठे हैं, अभी भी चालू है, तो आगे कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्या आगे रहेगा आपका स्टैंड और क्या लगता है कि इसके बाद जो है शाहीन बाग को खाली कराने के लिए कोई सरकार की तरफ से कदम लिया जाएगा? मैं कल भी कहता था अरविंद केजरीवाल जी को कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। आज भी कह रहा हूँ कि वहाँ बच्चों और महिलाओं के साथ जो लोग बैठे हैं उन पे लाठी चार्ज ना हो,